शिवाजी सुरातकल, जिसका हिंदी में नाम है डिटेक्टिव शिवाजी, और ये एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है। क्या एक्सपीरियंस रहा है मेरा इस मूवी को देखने के दौरान, वो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन फिल्म मिनट में। दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको लीड रोल में नजर आएंगे रमेश अरविंद एज शिवाजी, जो कि एक पुलिस वाले का रोल निभा रहे हैं इस मूवी के अंदर। और भी कई अन्य सपोर्टिंग कलाकार हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है इस मूवी के अंदर। बेसिकली मूवी की कहानी फोकस करती है एक ऐसे डिटेक्टिव पे जिसको एक हाई प्रोफाइल केस मिलता है। दरअसल वो केस होता है एक मिनिस्टर के बेटे का, जिसको बड़ी ही बेरहमी से मार दिया जाता है। और साथ ही साथ जो डिटेक्टिव होता है वो अपना केस भी खुद ही सुलझा रहा होता है। कुछ साल पहले उसकी बीवी को मार दिया जाता है। अब इसके पीछे कौन होता है, कैसे वो उसकी बीवी गायब हो जाती है, यही सारे ट्विस्ट एंड टस्ट जानने के लिए दोस्तों आपको ये मूवी पूरी देखनी पड़ेगी। वही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि भाई वो उस हाई प्रोफाइल केस को सुलझा भी पाएगा या नहीं सुलझा पाएगा, उस मिनिस्टर के बेटे के कातिल को वो कभी पकड़ भी पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा, यही चीज इस मूवी के अंदर देखने लायक है। दोस्तों, ये मूवी हो सकता है शुरू में आपको थोड़ी बहुत बोरिंग लगे, लेकिन जैसे ही मूवी 30-40 मिनट आगे बढ़ती है आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा मूवी के अंदर। फिर ये मूवी आपको एंड तक कनेक्ट रखेगी, क्योंकि मूवी के अंदर आगे धीरे धीरे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे जो आपको काफी ज्यादा एंटरटेन करेंगे। और इस मूवी का क्लाइमेक्स बहुत ही जोरदार होने वाला है, क्योंकि क्लाइमेक्स में बहुत सारी चीजें निकल के आएगी जिसे देखकर आप शॉक हो जाओगे। एक्टर्स की परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी इस मूवी के अंदर, खासकर शिवाजी की, जो किसी भी केस को इमेजिनेशन में सुलझा लेते हैं। यानी कि अगर कोई भी केस उनको दिया जाता वो इमेजिन कर करके उसको सुलझा लेते हैं, यही उनकी खासियत होती है और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में मशहूर होते हैं। मुझे इस मूवी का स्क्रीन प्ले शुरू में थोड़ा सा स्लो लगा, लेकिन बाद में आपको ये मूवी पूरी तरीके से कनेक्ट कर लेगी। और इस मूवी की स्क्रिप्ट भी ठीक ठाक है, लगभग 2 घंटे की ये मूवी है, तो आपको मजा आएगा। और इस मूवी का म्यूजिक भी डिसेंट है। और दोस्तों, इस मूवी को IMDb रेटिंग मिली 7.1 out of 10, और मैं इस मूवी को रेटिंग करूंगा 5 out of 10। तो दोस्तों, आप जब ये मूवी देख लोगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।